हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 23 फरवरी 2019 और यह हमारी 82वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में राजकुमार बड़जात्या का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक प्रोड्यूसर थे। तो सही ऑप्शन है प्रोड्यूसर राजकुमार बड़जात्या। राजश्री प्रोडक्शन के ओनर थे और इनकी सबसे बेस्ट फिल्म है हम आपके हैं कौन। तो आपको याद रखना है, हाल ही में राजकुमार बड़जात्या का निधन हुआ, ये एक प्रोड्यूसर थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री ने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही ऑप्शन है दक्षिण कोरिया में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। मोदी जी को यहाँ सियोल शांति पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। आपको बता दें, दक्षिण कोरिया में मोदी जी का यह दूसरा दौरा है। अब बात आई है साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया की, तो आपको इसके बारे में बता दें, साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, राष्ट्रपति हैं मून जे इन, प्रधानमंत्री हैं साउथ कोरिया के ली नाक येन और साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। तो इतना आपको साउथ कोरिया के बारे में याद रखना है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में मोदी जी को सियोल शांति पुरस्कार से दक्षिण कोरिया में नवाजा जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किसने गश्ती जहाज सचेत को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है निर्मला सीतारमण ने। हाल ही में निर्मला सीतारमण ने गश्ती जहाज सचेत को लॉन्च किया है। यह गश्ती जहाज 105 मीटर लंबा है और 2350 टन भारी है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इसका उद्घाटन हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। आपको याद रखना है, निर्मला सीतारमण हमारे देश की रक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है 21 फरवरी। 21 फरवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भाषा के बारे में जागरूकता, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। इस दिवस की शुरुआत 2000 में की गई थी। आपको याद रखना है, सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुरुआत की गई थी और 2019 में इसकी थीम है इंडिजीनियस लैंग्वेज मैटर फॉर डेवलपमेंट पीस एंड रिकॉग्नाइजेशन। आपको फिर एक बार फिर बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 2019 की थीम है इंडिजीनियस लैंग्वेज मैटर फॉर डेवलपमेंट पीस एंड रिकॉग्नाइजेशन। तो इतना आपको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में किस देश में फेस्टिवल ऑफ इंडिया शुरू हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है नेपाल। नेपाल में हाल ही में फेस्टिवल ऑफ इंडिया शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन नेपाल में किया गया है और इस फेस्टिवल में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब बात आई है नेपाल की, तो मैप में आपको नेपाल के बारे में बता दें, ये जगह है नेपाल को दर्शाती है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली। तो इतना आपको नेपाल के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाल ही में किस राज्य में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है त्रिपुरा। हाल ही में त्रिपुरा राज्य में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें, यह मेगा फूड पार्क देश का 17वां और त्रिपुरा का पहला मेगा फूड पार्क है। इस पार्क की जो लंबाई है वह 50 एकड़ है और लगभग 87 करोड़ रुपए में बनाने में इसमें लागत आई है। अब बात आई है त्रिपुरा की, तो आपको मैप में त्रिपुरा के बारे में बता दें, ये जगह है त्रिपुरा को दर्शाती है। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई थी। गवर्नर हैं कैप्टन सह सोलंकी। त्रिपुरा की मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो इतना आपको त्रिपुरा के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेवन, 20 फरवरी को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने 20 फरवरी को
अपना स्थापना दिवस मनाया है। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1987 यानी 1987 में अरुणाचल राज्य अधिनियम और 1986 में यानी 1986 में मिजोरम राज्य अधिनियम पारित किया गया, जिसमें इन दोनों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कहां आसियान भारत एक्सपो सम्मेलन का आयोजन किया गया है? जिसका सही ऑप्शन है नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में भारत आसियान एक्सपो सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, आसियान जो आसियान देश हैं, उनकी स्थापना या आसियान की स्थापना 6 अगस्त 1967 में की गई थी और आसियान का मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये है आसियान सम्मेलन जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आसियान में जो कंट्री हैं उनके बारे में भी बता दें, आसियान की जो कंट्री है वह है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, ये आसियान देश हैं और इनका भारत में सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है और यह आसियान भारत एक्सपो सम्मेलन का 4th संस्करण है। तो इतना आपको भारत आसियान एक्सपो सम्मेलन के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? जिसका सही ऑप्शन है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की स्थापना की है। ये डिजिटल बोर्ड जो क्लासरूम में उपस्थित ब्लैक बोर्ड होते हैं उनकी जगह डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। आपको बता दें, 2022 तक 7 लाख क्लासरूम और विश्वविद्यालय में 2 लाख क्लासरूमों में डिजिटल बोर्ड लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको याद रखना है, ब्लैक बोर्ड की जगह 2022 में कुल 9 लाख क्लासरूमों में डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे और ऐसा ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस शहर में 7 वंडर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दिल्ली। हाल ही में दिल्ली में 7 वंडर पार्क का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान के कोटा में सबसे पहले 7 वंडर बनाए गए थे, उसके बाद अब हाल ही में दिल्ली में इनका यानी 7 वंडर पार्क का उद्घाटन किया गया है। खास बात यह है कि 110 टन कूड़े को रिसाइकिल करके यह 7 वंडर पार्क बनाया गया है। आपको इनके बारे में पता ही है, हमारा ताजमहल भी 7 वंडर पार्क में से एक है। क्वेश्चन नंबर 11, कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जिसका सही ऑप्शन है संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में कुमार गंधर्व पुरस्कार दिया जाता है। अब ये कुमार गंधर्व कौन थे? तो आपको बता दें, ये एक संगीतकार थे और इनका जन्म मध्य प्रदेश के देवास जिले में हुआ था और इन्हीं के नाम पर कुमार गंधर्व पुरस्कार का नाम रखा गया है। इनका निधन 1992 में हो गया था। तो आपको याद रखना है, कुमार गंधर्व पुरस्कार मध्य प्रदेश में संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा पहाड़ियों से हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है बेनगंगा नदी। बेनगंगा नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा पहाड़ियों से हुआ है। छिप्रा नदी का उद्गम स्थल विंध्य पर्वत श्रेणियों से और बनास नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वत श्रेणियों से हुआ है। एक बार फिर आपको बता दें, बेनगंगा नदी सतपुड़ा पहाड़ियों से, बनास नदी अरावली पहाड़ियों से और क्षिप्रा नदी यह विंध्य पर्वत श्रेणियों से निकलती है। क्षिप्रा धार के विंध्य पर्वत श्रेणियों से निकलती है और चंबल मध्य प्रदेश के महू या इंदौर से इसका उद्गम स्थल है। तो इतना आपको इन नदियों के बारे में याद रखना है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।